हेलो दोस्तों, पूरब खमकर द टेक्निकल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हेलो दोस्तों, यह है सैमसंग डबल डोर 5-in-1 कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर विद ऑटो आइस मेकर। ये रेफ्रिजरेटर आता है 476 लीटर कैपेसिटी के साथ, जिसके साथ आपको मिलता है एक बिग साइज वाला वेजिटेबल बॉक्स, उसी के ऊपर मिलता है आपको वेजिटेबल बॉक्स ग्लास कवर, फिर उसके ऊपर है टोटल 3 टफन ग्लास स्टैंड, साथ ही साथ आपको मिलता है एक फिल्टर। फ्रिज के सबसे ऊपर टॉप पर मिलता है आपको फ्रेश रूम वाला ट्रे, जिसमें आप नॉन वेज या डेयरी प्रोडक्ट रख सकते हो। यहाँ ऊपर फ्रीजर में मिलता है आपको एक कूल पैक, जिसका काम होता है लाइट जाने के बाद कुछ समय के लिए उसके ऊपर रखे सामान को ठंडा रखना। इसमें एक जेल लिक्विड होता है जो यहाँ फ्रीजर में रखे हुए सामान को ठंडा रखता है। फ्रीजर के डोर पर दो फाइबर ट्रे दिए जाते हैं, जिसमें आप मसालों के पॉकेट्स वगैरह रख सकते हो। दोनों डोर पर एक रबर सील होता है, जिसे आपको हर महीने में एक बार हल्के गर्म पानी से साफ करना होता है। नीचे फ्रिज के डोर पर आपको यहाँ पर दो ट्रे दिए जाते हैं, फिर उसके नीचे दो ट्रे हैं और सबसे नीचे एक बोतल स्टैंड है, मतलब टोटल 5 ट्रे आपको नीचे फ्रिज के डोर पर दिए जाते हैं। अगर इस ट्रे में आपको बड़ी साइज वाली बोतल रखने में कोई दिक्कत आ रही हो तो उसके ऊपर वाले दोनों ट्रे को आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस दिया जाता है। फ्रिज के फ्रंट साइड पर आपको दो लेग दिए जाते हैं, एक लेग फ्रिज डोर के नीचे होता है और दूसरा बॉडी के नीचे होता है। दोनों लेग की डिज़ाइन अलग अलग होती है, जिससे काफ़ी कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं। वेजिटेबल ट्रे अगर आपको क्लीन करने के लिए बाहर निकालना हो तो उसे थोड़ा बाहर खींचिए और फिर हल्का सा ऊपर उठाकर फिर बाहर निकालिए, ये बाहर निकल जाता है। उसे क्लीन करने के बाद फिर से उसी तरह से लगा दीजिए। अब बात करते हैं ऑटो आइस मेकर की, जिसमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली आइस क्यूब जमा होते रहते हैं। आइस बनाने के लिए हमें इस बॉक्स में पानी डालना होता है। इसकी कैपेसिटी होती है 5 लीटर की, मतलब 5 लीटर तक आप इसमें पानी भर सकते हो। इसे निकालते समय सिंपली इसे बाहर खींच लेने के लिए यहाँ से आपको लॉक निकालने होते हैं, मतलब इसे सिंपली बाहर खींच लेना होता है। इस तरह से बाहर खींचने के बाद सामने वाला बॉक्स ओपन कीजिए और इसमें आपको पानी भरकर रखना होता है। अभी हम यहाँ पर पानी अंदर ऐड करेंगे। 5 लीटर तक पानी आपको भरना होता है। कम से कम आप इसमें 3 लीटर तक पानी भर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर तक पानी भर सकते हो। पानी भरने के बाद इसे पैक कर दीजिए और यहाँ पर हमने अभी फ़िलहाल 4 लीटर तक पानी भरा हुआ है। पानी भरने के बाद हमें यहाँ पर इसे शिफ्ट कर देना होता है। यहाँ पर जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर मैच करना होता है। पानी से भरा बॉक्स इस ट्रैक पर रखकर उसे सिंपली अंदर की ओर धकेलना होता है। इस तरह से चेक कर लीजिएगा कि जो पॉइंट हमने बताया था वो अंदर की ओर मैच हुआ है या नहीं हुआ है। अब आगे की प्रोसेस कुछ इस तरह से, पीछे के साइड में जो एक आप पाइप देख रहे हो, ये एक्वा का पाइप दिया होता है। यहाँ से पानी सीधा ऊपर फ्रीजर में जाता है और वहाँ पर ऑटोमेटिकली आइस क्यूब तैयार होते हैं और वो बॉक्स के अंदर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ से भरा हुआ पानी पीछे वाली नली की सहायता से ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पर आइस मेकर मशीन की सहायता से आइस क्यूब तैयार होकर वह इस बॉक्स में जमा होते रहते हैं। आपको अपने हाथों से आइस क्यूब निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बॉक्स में जमा होते रहते हैं। अगर ये बॉक्स क्यूब से भर जाता है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, नीचे वाला खाली बॉक्स ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं कंट्रोल पैनल की। ये वाला बटन है ऊपर वाले सेक्शन के लिए, मतलब फ्रीजर के लिए, और ये वाला बटन है नीचे फ्रिज के लिए। फ्रीजर के बटन से आप फ्रिज की टेम्परेचर सेट कर सकते हो, मतलब 15 से लेकर 23 तक आप ये टेम्परेचर इस वाले बटन से सेट कर सकते हो। जैसे वो लाइट ऊपर जाएगा कूलिंग बढ़ेगी और 15 पे कूलिंग कम हो जाएगी। ये वाला बटन इसके लिए रहता है और इस बटन से आप 7, 5, 3, 2, 1 इस तरह से सेटिंग कर सकते हो।
बीच वाला बटन होता है कन्वर्टेबल के लिए, मतलब आप फ्रीजर वाले सेक्शन को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो। इसे 3 सेकंड दबाने के बाद ये वाला लाइट यहाँ पर चले जाएगा, मतलब ऊपर वाला फ्रीजर नॉर्मल फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक सिंबल दिया हुआ है, जो हमने ऑटो आइस मेकर का ऑप्शन देखा था वो आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हो। लाइट अगर आपको यहाँ ब्लिंक करते हुए दिखेगा मतलब आइस ऑफ है, और अगर लाइट आप ऑफ कर देते हो तो मतलब आइस ऑन है। इसका आप अपोजिट समझिए, लाइट चालू करने पर आइस क्यूब बनेगा नहीं और लाइट बंद करने पर आइस क्यूब बनेगा। तो हमेशा अगर आपको आइस चाहिए तो इसको ऑफ रखिए, अगर आपको आइस नहीं चाहिए तो इसको ऑन रखिए। अब ये वाला जो 15 पे लाइट है इसको यहाँ लेके जाने के लिए बीच वाला बटन 3 सेकंड दबा के रखिए, जब तक लाइट चेंज नहीं होता है। देखिए अभी 15 वाला लाइट या ऊपर चले गया, जो पहले 15 पे था वो नॉर्मल फ्रिज पे चले गया, मतलब ऊपर वाला फ्रीजर नॉर्मल फ्रिज में कन्वर्ट हो चुका है ये वाला, और ये वाला लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गया, मतलब अगर आप ऊपर कन्वर्ट कर देते हो तो आइस क्यूब ऑफ हो जाएगा, और फिर 3 सेकंड दबाते हो तो ये ऑफ पर आ जाएगा। ऑफ लिखा हुआ है मतलब ये वाला कूलिंग बंद हो जाएगी, ऊपर वाले फ्रीजर की कूलिंग बंद करने के लिए ऑफ लिखे हुए सिंबल पर आपको लाइट लाना है। फिर 3 सेकंड दबाने पर ये 19 पे आ जाएगा, और ये वाले बटन से आप उसको टेम्परेचर सेट कर सकते हो। और ये वाला बटन होता है नीचे वाले फ्रिज की टेम्परेचर सेट करने के लिए, सबसे ऊपर जो लाइट है ये इसकी कूलिंग बंद करने के लिए होती है, मतलब फ्रिज की कूलिंग अगर आपको बंद करनी है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप सबसे ऊपर मतलब एक के ऊपर लाइट ला सकते हो, तो नीचे वाली कूलिंग बंद हो जाएगी। अब ये वाला लाइट ऑन है, इसका मतलब आइस क्यूब हमने ऑफ कर दिया था, तो उसको एक बार दबाइए तो ये ऑफ हो जाएगा, मतलब आइस क्यूब ऑन हो जाएगा। ये 2 सिंबल दिए हुए उसके नीचे, ये फास्ट कूलिंग के लिए होते हैं। अगर आप ये बटन दबा के रखते हो तो ऊपर वाला सिंबल चालू हो जाएगा ये वाला, जिससे फ्रीजर फास्ट हो जाएगा, और ये वाला बटन आप 3 सेकंड दबा के रखते हो तो ये ड्रॉप वाला सिंबल ऑन हो जाएगा, मतलब नीचे वाला जो फ्रिज है ये फास्ट कूलिंग करेगा। ये वाला सिंबल नीचे के लिए होता है फ्रिज के लिए। यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है मतलब फ्रीजर वाली कूलिंग बंद करने के लिए, और यहाँ पर जो प्लग वाला सिंबल है मतलब नॉर्मल फ्रिज की कूलिंग बंद करने के लिए। ये 2 सिंबल कूलिंग बंद करने के लिए होते हैं। ऑफ पर अगर आप लाइट लाते हो तो ऊपर वाले की कूलिंग बंद हो जाएगी। 3 सेकंड इस वाले बटन को दबा के रखना है, अगर आप एक बार दबाते हो तो ये आइस क्यूब वाला लाइट ऑन हो जाएगा, मतलब आइस क्यूब बनना बंद हो जाएगा, और उसी को आप 3 सेकंड दबाते हो तो ऊपर कन्वर्टेबल मोड में चले जाता है। इसी सेटिंग के ऊपर मैंने और भी कई वीडियो बनाई है, वो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।